हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन गनोत्रा और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से इसको क्रैक करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर्स ऑन अ फ्लोर, राइट? एक 90 मीटर्स की हाइट से, राइट, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है। द हाइट इज 90 मीटर्स फ्रॉम द प्लेस वेयर द बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, राइट? एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जब ये टच करती है ग्राउंड में, राइट, एट एवरी कोलिजन इट इज लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। मतलब बेसिकली क्या है, बॉल ऊपर से नीचे गिरी, वो वापस ऊपर जाएगी, राइट? अब कहने का मतलब है, जब वो वापस ऊपर जाएगी, अब जो उसकी फाइट, मतलब जो नई वेलोसिटी है जिससे वो ऊपर जाएगी और जिस वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को टच किया, राइट, अब जो नई वेलोसिटी उसका 10% डिक्रीज है, राइट, 1/10 सॉरी मतलब लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, राइट, वो उसकी 1/10 स्पीड लूज कर जाती है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 to 12 seconds, राइट? आपको स्पीड टाइम ग्राफ इसका प्लॉट करना है, ठीक है? अल्टीमेटली ये सिंपल ही क्वेश्चन है, बस पैटर्न आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट मी इनिशियली हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट यू इज इक्वल टू 0, करेक्ट? एक बॉल को अगर ड्रॉप किया तो यू 0 हो जाएगा, राइट? यू 0 हो गया तो सबसे पहले वी निकाल लेते हैं। वी कैसे निकालोगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a into s, बोलो हाँ या ना? v square minus u square is equal to 2 into a into s, right? तो यहाँ से v कितना निकल जाएगा दोस्त? Under root of 2 into a की जगह मैं minus 10 ले लेता हूँ, right? Just to make it a little simpler, right? और s कितना दे रखा है आपको? Minus 90, right? यहाँ से अगर आप solve करोगे, just give me one minute, यहाँ से अगर आप solve करोगे, तो यहाँ से आपकी v की value कितनी आ जाएगी? यहाँ से v की value कितनी आ जाएगी? Under root of 2 into 900, राइट? अब इसको 30 को बाहर ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ ये 30 अंडर रूट 2, राइट? ये आपकी v की वैल्यू आ जाएगी यहां से, राइट? एक बार आपकी v की वैल्यू आ गई, एक बार टाइम भी नोट कर लेते हैं, यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगा। तो टाइम के लिए सिंपल इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट? तो v कितना है? v आ गया आपका 30√2, राइट, माइनस में, क्योंकि वो नीचे नीचे जा रहा है ना, 30√2 v इक्वल्स टू u। अब u कितना है? 0 माइनस 10 इंटू टी, यहां से आपके पास t कितना आ जाएगा? 3√2, ठीक है? यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 3√2, मतलब पहला जब उसको ड्रॉप किया, टिक करके ऐसे ड्रॉप किया, तो उसको 3√2 टाइम लगा और वो 30√2 उसकी फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है? 30 वो था ऐसे, ठीक है? अ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ दिस, राइट? जब ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? u इक्वल्स टू 0, इतना सबको समझ आता है, राइट? अब अगला सिचुएशन क्या है? अब एक बार अगला सिचुएशन देख लो। अब अगले में जब वो वापस ऊपर जाएगा, मान लो इसको मैंने v1 बोल दिया, v2 अगर मैं निकालूं, राइट, अब v2 क्या है, समझो इसको, v2 इज मतलब इसका क्या लिखा हुआ है यहां पर, लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, तो मतलब कितना हो जाएगा? 30√2 माइनस 1/10, मतलब 10/100 इंटू 30√2, राइट? अब ये उसका फाइनल हो जाएगा, सबको चमका, ये इसका फाइनल हो जाएगा, राइट? 30√2 माइनस 10/100, राइट? और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 30√2 माइनस 3√2, ठीक है? 30√2 माइनस 3√2, ये उसकी वो वाली वेलोसिटी हो जाएगी जब वापस जाएगा। अब इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा, राइट? अब मुझे किसका ग्राफ पूछा गया है? मुझे ग्राफ पूछा गया है स्पीड टाइम, राइट? तो इस वाली एक्सिस को मैं स्पीड बोल देता हूं, नीचे वाली एक्सिस को मैं टाइम बोल देता हूं, ठीक है? स्पीड टाइम ग्राफ हमसे पूछा गया है। सबसे पहले क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है बॉल की? बिल्कुल 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब वो ग्राउंड पर टच करेगी बॉल, राइट? व्हेन द बॉल इज टचिंग द ग्राउंड, उस वक्त इसकी स्पीड कितनी है? देखो स्पीड ही पूछा है तो डायरेक्शन का तो अभी इसमें कोई लेना देना है नहीं, स्पीड पूछा है तो कितनी हो जाएगी? 30√2, राइट? तो यहां पर मान लेते हैं इसकी स्पीड हो जाएगी 30√2, ठीक है? टिक 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 टिक, इसको मान लेता हूं मैं 30√2, ठीक है? 30√2 हो गई है। तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जाते वक्त। अब बाद में क्या हुआ, इसकी स्पीड कितनी हो गई? 30√2 माइनस, अच्छा हाँ, यहां पर टाइम भी लिख लीजिए, इसको टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में? टिक टिक टिक, अगर आप टाइम नोट करना चाहे तो टाइम लगा 3√2, ठीक है? टाइम लगा इसका 3√2, 3√2 टाइम लगा।
ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद हाँ अब बस पूरा ग्राफ पूछा गया आपका 0 to 12 सेकंड तक। अब एक पैटर्न बस आपको पता लग जाए तो ग्राफ आपका बनता ही चला जाएगा। पैटर्न अगर आपको एक बार पता लग जाए तो एक ये लाइन ऐसे हो गई, ये नीचे आ गई। अब इसके बाद दूसरी जो उसकी वेलोसिटी है, ध्यान देना वो यहां से कहीं से स्टार्ट हुई होगी, राइट, टिक 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 टिक, ये कितना है 30√2 − 3√2, मतलब नॉट टू स्केल बना रहा हूं अभी मैं रफ, बट आपको आइडिया लग जाएगा, 30√2 − 3√2, राइट, यहां से स्टार्ट हुई होगी। अब देखो सिचुएशन क्या थी, ऊपर से नीचे आ गई, अब नीचे से ऊपर जाके एक बार फाइनल उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये कुछ ऐसे आएगी, आ रही है बात समझ, और ये इसी डिस्टेंस पर वापस चली जाएगी, बोलो हाँ या ना, वी बन जाएगा, राइट। तो ये अल्टीमेटली क्या केस हो गया, अल्टीमेटली ये ऊपर से नीचे गिरा, अब ये नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आ रही है, राइट, अल्टीमेटली वही हो गया ना, एक पूरा का पूरा मोशन बन गया नीचे से ऊपर जाकर वापस आने में, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, राइट। अब अल्टीमेटली यहां का भी आप निकाल सकते हो, राइट, ये भी वही हो गया। अब जो अगली होगी वो इसकी 1/10 होगी, मतलब इसका इसमें इसका 1/10 माइनस कर दोगे तो ये नई वाली आ जाएगी, राइट। अब वो नए वाला ग्राफ कैसे बन जाएगा आपका, नए वाला कुछ ऐसे बन जाएगा, आ रही है बात समझ, नए वाला कुछ ऐसे बन जाएगा। अब उसके बाद वाला कैसे बन जाएगा, उसके बाद वाला कुछ ऐसा बन जाएगा, सबको बात समझ आ रही है, ऐसे। तो अल्टीमेटली ग्राफ आपका कैसे बन जा रहा है, ग्राफ आपका इस तरह से कुछ बनता जा रहा है ऐसे, एंड कंटिन्यूएशन में बनता रहेगा, ये वी बनते रहेंगे आपके, बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ, सो दैट इज इट, राइट। यही का यही चीज था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज करने के लिए, अल्टीमेटली आपको जितना भी आगे पूछा जाए तो आप ये तो निकाल ही सकते हो, राइट। तो उससे अगले वाला वेलोसिटी कितना होगा, इसका इसके अंदर से इसका 10/100 सब्सट्रैक्ट कर देना, बस वही क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक दी आंसर, राइट। बहुत इजी तरीके से आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाने की कोशिश की जा रही है इस चैनल के माध्यम से। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू कंसीडर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।